यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र संख्या 8। ओम मूर्धानं दिवो अर्तिं पृथिव्या वैश्वानरं मृते आजातम् अग्निं कविं साम्राज्यम् अतिथिं जनानाम् आसन आपात्रम जनयंत देवः। मंत्रार्थ, दिवो दिव के, मूर्धानम मूर्धा, अर्तिम प्रतिहीन प्रगति, पृथिव्या पृथ्वी के, वैश्वानरम विश्वजन विश्व प्रेरक, अग्निम अग्रणी प्रगतिशील को, रिते रित में, आजातम समुत्पन्न देवा प्रकाशमान, पात्रम पात्र रक्षक, कविम कवि, सम्राजम सम्यक प्रकाशमान, जनानाम जनों के, अतिथिम अतिथि, आसन स्थित आजनियंत उत्पन्न करते हैं। भावार्थ, अग्नि प्रगतिशील अग्रणी का भावार्थ परमात्मा तो मुख्य रूप से होता ही है, उसके उपासक भी प्रगतिशील अग्नि होने से अग्नि कहे जाते हैं, वे ही देव कहे जाते हैं। प्राकृतिक शक्तियों को भी देव कहते हैं। ऋत अर्थात सार्वभौम प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही देवगण परमात्मा को अपने अंतःकरण में उत्पन्न करते हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापी है ही, उसे अंतःकरण में उत्पन्न करने का भाव उसको अनुभव करना ही है। अग्नि को उत्पन्न करने का भाव, अग्नि स्वरूप प्रगतिशील अग्रणी उपासकों को उत्पन्न करना भी माना जाना चाहिए। दिवो देव धातु प्रकाश स्तुति आनंद प्रीति करना, मूर्धानम में मोह धातु मोहित करना मुग्ध होना, मूर का अर्थ घेरना लपेटना, अर्तिम में अक्रिया उपसर्ग, रम धातु का अर्थ रमना रमण करना, री धातु का अर्थ चलना संचालित करना, पृथिव्या में प्रत धातु व्याप्त होना प्रेरणा करना प्रक्षेपण करना, वैश्वा नरम में विश्व सर्वनाम, निर् धातु का अर्थ चलना ले जाना, अग्नि में अग धातु गति करना, हृदय में री धातु जाना चलना संचालित करना, जातम में जन धातु उत्पन्न होना, देवा में दिव धातु, आसन में अस धातु होना, आस का अर्थ बैठना, पात्रम में पा का अर्थ पालन रक्षा करना, कविम में कु का अर्थ शब्द करना, सम्राजम में सम उपसर्ग, राज का अर्थ चमकना शोभित होना, जनानाम में जन धातु उत्पन्न होना, अतिथिम में अत धातु जाना सतत चलना, जनयंत में जन धातु उत्पन्न होना। ओम खम्बरम। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 8। ओम मूर्धानं दिवो वरातिं पृथिव्या वैश्वानरं मृते आजातमग्निम् कविं सम्राजम् अतिथिं जनानाम् आसन् आपात्रं जनयन्त देवा। मूर्धानम् दिवो अरतिम पृथिव्या, मूर्धानम् मूर्धा को दिवो दिव्य दिवो में षष्ठी विभक्ति भी मानी गई है। दिव शब्द में अह विभक्ति जुड़े तो दिवा षष्ठी विभक्ति हो सकता है, यदि वा हलंत अस्वर हो तो वेद में संभव है, वैदिक व्याकरण में संभव है। दिवो दिवा का अर्थ दिव्य गुण युक्त दिव्य हो सकता है, यह भी ठीक है। मूर्धानम मूर्धा को स्पष्ट है।
अरतिम इस शब्द पर भी विचार करें। अरतिम आ उपसर्ग माने तो रति हीन, जिसको कोई रति ना हो या जिसमें किसी की रति ना हो वो अरतिम, एक अर्थ यह हो सकता है। और अरतिम को रीगत्यर्थक धातु से भी निष्पन्न माना जा सकता है, तो उसका अर्थ गति प्रगति रित आदि होगा, दोनों ही अर्थ माने। देखिए ये अरतिम शब्द को लेकर अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, और किसी व्यक्ति ने इस एक शब्द को लेकर बहुत बड़ा सिद्धांत गढ़ने का प्रयास किया, मैं उसकी कुछ चर्चा करना चाहूंगा, इसलिए कि आपको यह भी अनुभव हो कि सिद्धांत एक शब्द को लेकर कैसे बनाने का प्रयास होता है और वो कितना उचित होता है, उसके निर्णय हम कैसे कर सकते हैं ये उचित है अथवा नहीं। अरतिम रतिहीन, जिसे कोई रति ना हो, विरत विरक्त ये भाव हो सकता है, मैं स्वीकार करता हूं। अब जैसा कि हम सामान्यता जानते हैं कि वेद में लक्ष्यार्थ मुख्य आध्यात्मिक अर्थ तो परमात्मा परक ही है, तो यूं कहें जैसे अग्निम आपने कहा कि अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर है, बिल्कुल ठीक। वैश्वानर भी परमेश्वर के लिए आया, ये भी ठीक। तो उसी प्रकार से कहा ये अरतिम भी परमात्मा के लिए है, बिल्कुल ठीक, हो सकता है। मूर्धानम ये भी परमात्मा के लिए है, परमात्मा का विशेषण है, जो मूर्धा विशिष्ट है, सबके मूर्धा पर हो अवस्थित हो, जो सबसे उच्च प्रतिष्ठित है वह परमेश्वर ही हो सकता है। मूर्धानम दिवो दिव्य, निश्चित रूप से वह दिव्य है, परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है, वह मूर्धा है, वह दिव्य है, वह अरति है, रतहीन है, ये अर्थ किया गया। अरतिम का सामान्यता अर्थ लोगों ने री गत्यर्थक धातु से किया है, वहां अरतिम का अर्थ रित की नियामक सत्ता भी हो सकता है, जो हमने कहा कि प्रकृति के सृष्टि के संचालन के मूलभूत नियमों को रित कहते हैं, अरतिम उसके लिए भी आया है, जो रित व्यवस्था है, जो उस रित का संचालन करने वाला है उस परमेश्वर के लिए अरति शब्द आया है, यह भी ठीक है। और यदि हम अरतिम आपको उपसर्ग मानकर इसका करें तो ये उचित है या नहीं है, इसके मापदंड क्या हो सकते हैं? एक तो पद पाठ में अरतिम को पृथक किया गया है या नहीं, यदि वहां पृथक नहीं किया गया है तो रीगत्यर्थक धातु मानी जाएगी, और यदि वहां पर अवग्रह से आ को पृथक कर दिया गया है तो अरतिम रतहीन विरक्त का अर्थ ग्रहण किया जाएगा। एक तो तरीका यह है मानने का कि अरतिम में हम अरति माने, रति शब्द हाँ ये भी बता दें, यदि आ को उपसर्ग मानेंगे तो रति में रम धातु होगी, रमना रमण करना, उससे रति शब्द बनेगा। रत शब्द हमारा बहुत परिचित है, इसलिए बहुत धातु पर जाने की आवश्यकता नहीं, अनुभव हुई जानना चाहिए, ठीक है। तो मुख्य बात हुई कि वह रतहीन है, उसको किसी में कोई रति नहीं है, लगाव नहीं है, ये कहना चाहा, वो विरक्त है, उसने सृष्टि बना दी, सृष्टि के संचालन नियम रित की व्यवस्था कर दी, अब संपूर्ण सृष्टि रित के अनुसार संचालित है, वह उसमें कहीं भी रति नहीं रखता, वह पूरी तरह विरत है, विरक्त है, अरति है। इसलिए परमेश्वर का एक नाम अरति भी है, ये ठीक बात है।
समस्या नहीं है, हो सकता है। अब इस पर एक सिद्धांत देने का प्रयास हुआ कि ईश्वर विरक्त है, सृष्टि में कहां क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं होता। इतनी बड़ी सृष्टि है, उसने बना दिया, नियम बना दिए, सृष्टि के संचालन की व्यवस्था बना दी, ऋतु की व्यवस्था हो गई है, संपूर्ण सृष्टि ऋतु के अनुसार, उस सुनिश्चित नियमों के अनुसार चल रही है, चलती रहेगी। परमेश्वर का उसमें कोई हस्तक्षेप संभव नहीं है, क्योंकि अरतिम वह अरति है, पूर्णता विरक्त है। तो फिर जिसकी जो इच्छा हो करे, ईश्वर तो उसमें कुछ करेगा ही नहीं, तो जिसकी इच्छा हो करे, ईश्वर ने तो स्वयं छोड़ दिया। हाँ, ऋतु के कुछ नियम उसे बना दिए हैं, जैसे आप अग्नि को छुएंगे, कोई तप्त उष्ण पदार्थ है छुएंगे तो जल जाएंगे, शीतल पदार्थ को छुएंगे तो शीत का अनुभव होगा, ये प्रकृति के नियम है, स्वाभाविक है। तो इन नियमों के तहत जो कुछ होता है वो होता रहेगा, परमेश्वर कहीं भी रत नहीं होगा। एक सीमा तक यह बात थी। जैसा ऋत की चर्चा में हम लोग कहते हैं कि ऋत के नियमों का उल्लंघन संभव नहीं है, यदि कोई यह सोचे कि हम ईश्वर के नाम का जप कर रहे हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, साधक उपासक हैं, हम तो ईश्वर की पूजा उपासना में लीन रहते हैं, तो चाहे कितनी भी प्रबल अग्नि में डाल दिया जाए, ऐसा साधक उपासक जलेगा नहीं, क्या यह संभव है? ऋत की व्यवस्था कहती है कि यह संभव नहीं है। यदि तीव्र ज्वालाओं में अग्नि में किसी भी व्यक्ति प्राणी को डाल दिया जाएगा तो ये शरीर ज्वलनशील है, अत्यधिक ताप को सहन नहीं कर सकता, ये शरीर तो निश्चित रूप से जल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। ये प्रकृति के नियमों के अनुकूल ही होगा। अब कोई कहे कि नहीं, परमेश्वर अपने उस साधक उपासक भक्त को आकर चमत्कार से बचा लेगा, तो ऋत की व्यवस्था कहती है कि परमेश्वर ऋत के नियमों को परिवर्तित नहीं करता, वह हस्तक्षेप नहीं करता। अब एक सज्जन की रक्षा करनी है तो परमेश्वर कहां कैसे क्या व्यवस्था कर सकता है, इस पर किसी व्यक्ति को तो कोई श्रेय नहीं ही लेना चाहिए। यह निश्चित है कि ऋत की व्यवस्था का उल्लंघन भी नहीं होगा और सज्जनों की रक्षा का और कोई उपाय ऋत के अनुकूल हो सकता है तो होगा भी। बहुत विस्तार इसको न देते हुए मैं आपके चिंतन के लिए ये विषय सोच रहा हूं, दे रहा हूं कि एक शब्द अर्थ को लेकर विरक्त ईश्वर, ईश्वर विरक्त है तो जिसको जो करना हो करे, कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इसको एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जैसे कर्मफल का सिद्धांत है या द्वैत अद्वैत त्रैतवाद जैसे सिद्धांत हैं, इस एक शब्द को लेकर यदि इतना बड़ा सिद्धांत गढ़ दिया जाए तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो भी ऐसे शब्द को लेकर जिसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है, तो यह उचित नहीं। इसका अर्थ ये होगा कि आपके अपने विचार कहीं से किसी रूप में बने हैं, हम आपके विचारों का सम्मान कर सकते हैं, आपने चिंतन किया, स्वाध्याय किया, परिश्रम किया और एक विचार हमको दिया, उस विचार का सम्मान तो कर सकते हैं, परंतु उसको वेद से इस प्रकार प्रमाणित किया जाए कि वेद के 20,000 से अधिक मंत्रों में, 20,349 मंत्रों में एक शब्द मिला जिसके दो अर्थ हो सकते हैं, विभिन्न भाष्यकारों ने दोनों अर्थ कहीं कहीं किए हैं, किसी ने ये वाला अर्थ भी ग्रहण किया होगा, किसी ने वो अर्थ भी ग्रहण किया होगा, तो इसके आधार पर कोई अकाट सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता,
जिसे ऋतु स्तर पर कहा जाए कि नहीं ये भी ऋतु है, ऐसा ही होता है, ये नहीं बदलता। अचानक मुझे ध्यान आ गया, अब ऐसे किसी व्यक्ति के नाम की चर्चा करना तो उचित नहीं है, परंतु इस प्रकार के प्रयास भी लोग करते हैं, यह अवश्य हमें जानकारी में आता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनका अपना कोई विचार सिद्धांत बना और वेद के किसी एक शब्द को लेकर उसका किसी प्रकार से अपने विचार के अनुकूल अर्थ करके वेद से प्रमाण के रूप में उसको प्रस्तुत करके कहना, हम इतना ही नमन कर सकते हैं, चलिए इसी रूप में सही, कम से कम आपने वेद का स्वाध्याय किया, ये अच्छी बात। हमें जब भी किसी भी, चाहे वो हमारे आप जैसे सामान्य लोग हों या बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित विद्वान हों, लाखों करोड़ों लोगों के पूज्य हों, यदि कोई भी ऐसी बात कहें तो हमें विवेक से सोचना चाहिए और अन्य दिशाओं में देखना चाहिए कि क्या वेद में कहीं भी और इसका उल्लेख है, और क्या ऐसा कहीं आया है जिसका कोई दूसरा अर्थ न किया जा सके। कुछ अन्य स्थानों पर भी किसी रूप में इसका समर्थन मिलता है, तो ये एक मापदंड, एक कसौटी हमें उपलब्ध है जिससे हम किसी भी विचार को परख सकते हैं, वो चाहे जितने महान व्यक्ति का कहा गया हो। ये हमारा आपसे निवेदन है, वेद सर्वोच्च प्रमाण है, ये बिल्कुल सत्य है। वेद को अपने पक्ष में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास लोग करते हैं, उसका निराकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा अर्थ भी है तो ये भी संभव है, और अन्य मंत्रों में और स्पष्ट कोई बात कही गई है तो उससे हमारी पुष्टि हो जानी चाहिए पक्ष या विपक्ष में, तो वो ठीक होगा। मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरं ऋते आजातम अग्निं। वैश्वानरं, वो वैश्वानर है, वैश्विक नर है, विश्व अर्थात सबका प्रेरक है, सबको ले जाने वाला है, नृ धातु से नर बनता है जिसका अर्थ है ले जाना, जो सबको ले जाता है, सबको दिशा देता है, सबको गति देता है, वो वैश्वानर परमेश्वर है। हाँ, ये सभी शब्दों के साथ ध्यान रखें, हम परमेश्वर के स्तुत करते हैं। अध्यात्म परक अर्थ हुआ, आध्यात्मिक अर्थ वेद का मुख्य अर्थ है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु उसका जैसा कि हमने कहा अनेक प्रकार के अर्थ तो होते ही हैं, आध्यात्मिक, आध दैविक, आध भौतिक, आध लौकिक, आध याज्ञिक, लोग कहते हैं कर्मकांड के रूप में भी उसका अर्थ लोगों ने किया है, वो भी अर्थ होता है, ठीक है। हम सामान्यतः आपको दो अर्थों पर ध्यान दिलाते हैं, प्रत्येक मंत्र पर दो अर्थ आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएंगे, अर्थ तो बहुत से हो सकते हैं पर दो अर्थ आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। एक तो मूल आध्यात्मिक अर्थ जो पूरी तरह परमात्मा परक होगा, दूसरा अर्थ जो परमात्मा के उपासक सज्जन दिव्य जन है, दिव्य गुणों से युक्त समाज के सज्जन अग्रणी लोग हैं, उनको भी उन्हीं गुणों से विभूषित करते हैं। यूं कहें कि हम अपेक्षा करते हैं कि परमात्मा के जिन गुणों की स्तुति हम कर रहे हैं वे गुण हमें अपने में ग्रहण करने हैं, और जिन लोगों ने उन गुणों को धारण किया है हम उनकी ही स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा मानकर ये दो अर्थ तो सभी मंत्रों का सभी मित्र हमारे समझें और करें, भले ही दोनों अर्थ हम बहुत स्पष्ट प्रत्येक मंत्र का अपने भाषा में न लिख सके हूं, सीमाएं हमने आपसे निवेदन किया है, तो देखते हैं। वैश्वानर ऋते आजातम अग्नि, वैश्वानर है ऋते, ऋत में, अब देखिए ऋते में भी है, संस्कृत में ऋते एक अव्यय ही होता है जिसका अर्थ होता है बिना। वैश्वानम ऋते का अर्थ हो सकता है वैश्वानर के बिना, अब उस वैश्वानर परमात्मा के बिना तो कुछ होने से रहा, इसलिए यहां पर यह अर्थ हमने ग्रहण नहीं किया, ऋतु को यहां अव्यय के रूप में हमने नहीं माना, क्योंकि उस वैश्वानर के बिना कुछ होगा यह हमें नहीं ठीक लगा। यदि किसी को लगता है तो वह इसका ऐसा अर्थ कर सकता है, स्वतंत्र है,
हम उसे पूरा अधिकार देते हैं, हम कहते हैं कि हमसे अलग हमसे विपरीत अर्थ किया जा सकता है, बस वो धातु अर्थ हो, व्याकरण के अनुकूल हो। रिते में हम रि धातु भी ले सकते हैं, रिते को अव्यय के रूप में ले सकते हैं, इतनी छूट आपको है। बस ये देखें कि पूरे मंत्र का जो अर्थ निकल रहा है वो वेद की भावना गरिमा के अनुकूल है भी या नहीं, यह एक पक्ष और होता है। वैश्वानम रिते, इस रित में, इस रित व्यवस्था में उस वैश्वानर को, सबको ले जाने वाले को आ जातम सम्यक समंतात रूप से उत्पन्न या उत्पन्न करने वाले को, ये दोनों अर्थ हैं। उत्पन्न का अर्थ हम ले सकते हैं जब हम समाज के अग्रणी लोगों की बात करते हैं, और उत्पन्न करने वाले का अर्थ लेंगे जब उस एकमात्र अनादि अनंत परमेश्वर की बात करेंगे, क्योंकि वह उत्पन्न होता नहीं, केवल उत्पन्न कर सकता है। वह अनादि है, अनंत है, वह उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न करता है। तो ये दोनों प्रकार के अर्थ लेते हुए इसके इस प्रकार से दो अर्थ ग्रहण किए जाएंगे। जातम अग्नि, अग्नि को, अग्नि अग धातु है, जबकि के अर्थ में है वह अग्रणी। देखिए अग धातु से ही अग्र अग्रणी शब्द बन रहे हैं, स्पष्ट है। तो अग्निम का अर्थ अग्रणी, प्रगतिशील परमेश्वर या समाज के ऐसे अग्रणी प्रगतिशील लोग कर सकते हैं। कविम, वह कवि भी है। उधातु का अर्थ है शब्द करना, लौकिक अर्थों में कहा जाने लगा कविता करना, एक शब्द रूढ़ हो गया, एक कवि है कविता करते हैं, शब्द करते हैं, शब्द शिल्पी हैं। अभी भी कवि विनम्रता से कहता है कि भाई हम शब्द की बात करते हैं, शब्द शिल्पी हैं। तो कवि शब्द बाद में एक विशेष प्रकार के शब्द, विशेष प्रकार की बात करने वालों के लिए रूढ़ हो गया, परंतु वेद में जब आता है कवि तो उसका अर्थ होता है शब्द करता, जिसने शब्द को, ध्वनि को उत्पन्न किया, सृष्टि के आदि में जिसने प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा को उत्पन्न किया वह कवि। और वह कवि जिसने वेद के रूप में ये आदि काव्य हमको दिया, उत्तम दिव्य काव्य हमको दिया, जब हम मानते हैं कि यह वेद काव्य उसी परमेश्वर की प्रेरणा से, उसकी कृपा से ही हमें प्राप्त होता है, तो विनम्रता से हम उसे इस वेद काव्य का कर्ता कवि कहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इतना उत्तम काव्य मनुष्य के लिए तो उतना सरल नहीं है, तो इसका श्रेय हम उस परमेश्वर को देते हैं, इसलिए उसे वेद में अनेक स्थानों पर कवि कहा गया है। कविम सम्राजम, वो सम्राज है। अब ये सम्राजम क्या है? लोक में प्रचलित शब्द सम्राट है, वेद में सम्राज है। सम उपसर्ग है सम्यक रूपेण भलीभांति, राज धातु है, राजदीप्त धातु है, दीप्त के अर्थ में, प्रकाश के अर्थ में। सम्राजम सम्यक रूपेण प्रकाशमान को सम्राज कहा गया, वही सम्राट भी कहते हैं। इसी राज का राट भी हो जाता है, ऐसा संस्कृत व्याकरणाचार्यों का मत है कि राज धातु से ही सम्राट शब्द बनता है। और कर्ता कारक एक वचन में इस जा काटा हो गया तो वो सम्राट बोला जा रहा है, ये कह सकते हैं उनकी भाषा में जा को टा आदेश हो गया, जा के स्थान पर टा का उच्चारण होने लगा, सरल भाषा में समझ लें तो ये है। वैसे रट धातु भी होती है तो सम्राट को हम रट धातु से भी सम्राट कह सकते हैं, वही भी संभव है। यहाँ शब्द सम्राज है तो पूर्णता स्पष्ट है। सम उपसर्ग और राज धातु, राज धातु का अर्थ प्रकाश होना, प्रकाश करना है, तो सम्राज का अर्थ हो गया सम्यक रूपेण प्रकाशमान, प्रकाश करने वाले। अतिथिम, जो अतिथि है, ये अतिथि क्या है? अत धातु है जिसका अर्थ है सतत गति करना। एक तो है गति करना, जितने भी जीव हैं गति कर सकते हैं, उनका गति भी एक प्रमुख गुण माना जाता है। जितने सचर और अचर जीव होते हैं, वृक्ष आदि अचर जीव हैं, वे गति नहीं करते उस रूप में, उस अर्थ में, जिस अर्थ में हम लोग गति करते हैं। परंतु कोई भी सचर प्राणी भी है,
कीट पतंगों से लेकर पशुओं मनुष्यों तक तो गति करते हैं, कभी विश्राम भी करते हैं, रुकते भी हैं, तो इसलिए उसके लिए गम धातु का अर्थ होता है, गम धातु का प्रयोग होता है गति करने के अर्थ में। ये अत धातु का प्रयोग होता है सतत गति करने के अर्थ में, अविराम गति, इस गति में कभी विराम नहीं होता। वह परमेश्वर उसकी बनाई हुई ये सृष्टि ऋत के अनुसार निरंतर गतिशील है। इस पृथ्वी की गति रुक जाए तो पृथ्वी समाप्त, और जब पृथ्वी समाप्त हो तो पृथ्वी पर जो कुछ है वो तो हो ही गया समाप्त। तो सतत गतिशील कहा गया है। परमेश्वर का एक नाम अतिथि भी है जो सतत गतिशील है। सर्वव्यापी होते हुए यहां गति का अर्थ जानना और पाना भी होता है। वो सतत सब कुछ जानता है, संपूर्ण सृष्टि का सृजन करने वाला है, ऋत को उत्पन्न करने वाला, ऋत का संचालन करने वाला है, और जहां जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ जानने वाला है, वह सब कुछ जानता है, उससे परे कुछ नहीं होता। इसलिए उसे हम अतिथि कहते हैं, सतत गतिशील, सब कुछ जानने वाला, और सर्वत्र सदा प्राप्त उपस्थित। ऐसा भी नहीं है कहीं वो ना हो। तो यहां सतत गति करने में, गत के अर्थ में एक नियम है कि गत के अर्थ वाली धातुओं में गमन तो होता है, जानना और पाना का अर्थ भी निहित तो होता है। तो यहां अत सतत गति करने के अर्थ में जब हम परमेश्वर को संबोधित करते हैं अतिथ के नाम से, तो उसमें इस प्रकार के इन गुणों को लेकर हम उसे अतिथ नाम देते हैं। सब कुछ जानता है, सर्वत्र प्राप्त है, और निरंतर गति का संचालन करता है। अतिथिम जनानाम, जनानाम लोगों का, वह सबका है, किसी एक का नहीं है, वो सबका है। क्या है? अतिथि है, वो सबका अतिथि है, सबका सम्राज है, सम्यक प्रकाश करने वाला है, सबका कवि है। ये वेद काव्य सबके लिए उसने दे दिया है। कहते हैं कविम सम्राजम अतिथिम जनानाम आसन आपात्रम जनयंत देवाह। आसन असधातु से भी हो सकता है, असधातु से भी हो सकता है। आसन है और आसन बैठा है, उपस्थित है, सर्वत्र है। भाव में बहुत अंतर नहीं है किसी धातु से, जो भी अर्थ लेने दोनों ठीक हैं मेरे विचार से। आपात्रम आ उपसर्ग सम्यक समंतार, पात्रम पात्र को, यह पात्र क्या है? पा धातु का अर्थ है पालन करना, रक्षण करना। आपात्रम वो समंतात सबका रक्षण पालन कर रहा है, इसलिए उसे कहा गया आपात्रम। वह पात्र है, सबका रक्षण करने वाला है। हमारे पास भी छोटे छोटे पात्र होते हैं जो जल आदि विभिन्न वस्तुओं का रक्षण करते हैं। आपने एक पात्र में जल रख दिया तो वहां रखा है, वो रक्षित है, सुरक्षित है, अन्यथा वो बिखर जाएगा। तो पालन रक्षण करने वाला पात्र कहलाता है। आपात्रम सम्यक समंता पालन करने वाला वह परमेश्वर है, उसको जनयंत देवाह, देवाह देवगण, यह बहुवचन में आ गया। ये देवा जो बहुवचन में आ गया, अब ये उसे एक परमेश्वर के लिए नहीं, हम सब के लिए है। हाँ, हम सब देवगण हैं, हो सकते हैं, हो जाना चाहिए। हम सब स्वाध्याय चिंतन साधना करें तो हम सब देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये वेद हमें निरंतर प्रेरित करता है कि आप भी देव बने। कहते हैं जनयंत देवा, ये देवगण जो हैं वो ऐसे परमेश्वर को जिसके इतने गुण बताए गए उसको जनयंत उत्पन्न कर लेते। परमेश्वर को उत्पन्न करते हैं, जी हां, अपने हृदय में उसका प्रकाश अनुभव करते हैं, उस प्रकाश को अपने स्वाध्याय साधना से
अपने भीतर उत्पन्न कर लेते हैं, यही इसका भाव है। हमें इस उत्तम भाव को ग्रहण करना चाहिए। इसमें परमात्मा के विविध गुणों के स्तुत की गई है। स्तुत क्या है? स्तुत का अर्थ यही है जो गुण है जहां जैसा है वैसा वर्णन कर देना, इसी को स्तुत करना कहते हैं। तो इसका ये भाव हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न विचार आदि हो तो रख सकते हैं। हाँ भाई पुलकित जी, देखें किसी का कोई प्रश्न विचार हो तो ले ले, अन्यथा समापन कर सकते हैं, समय हो गया है। महेश जी, आप नवीन है तो आप अपना परिचय दे सकते हैं। जी नमस्ते स्वामी। हेलो जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते, मेरा नाम महेश है। मेरा पहला ही दिन है आज, मुझे मतलब ऐसा मतलब कुछ नया सीखने को मिला और थोड़ा सा आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ आज। यह दैनिक वेद कक्षा है, प्रतिदिन मुझे हम लोग जुड़ते हैं तो आप हमारे स्वागत। रविवार को प्रातः साप्ताहिक कक्षा विशेष सत्र होता है, उसमें केवल प्रश्न होते हैं, हम मंत्र व्याख्या नहीं करते। जो भी आपके मन में सनातन धर्म के और रविवार प्रातः कालीन कक्षा में कर सकते हैं, और सायंकालीन कक्षा में जो मंत्र व्याख्या की गई है इसके संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। सबको बोलने की अनुमति है, सब लोग अपनी बात रख सकते हैं। आप कुछ कहना चाहें, कोई प्रश्न आपके मन में आया हो हमारी बात इस मंत्र के विषय में तो कह सकते हैं। बोलिए। जी गुरु जी। ठीक है सीताराम जी, देखें आगे कोई और बात है तो देखिए, अन्यथा समापन की ओर बढ़े। गुरु जी, एक कोमल बन का जो प्रश्न था ग्रुप में उसे समझा दीजिए। मैं बताती हूँ, उन्होंने YouTube से पढ़ा होगा तो उन्होंने लिखा है कि मैं YouTube से संस्कृत पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने वर्ण के दो भेद बताए थे, स्वर और व्यंजन। लेकिन पुस्तक में जो है वह लिखा है दोनों अक्षर के भेद बताए गए हैं। उसमें बचपन से तो यही पढ़ा था कि अक्षर और वर्ण एक ही होते हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में भाषा के अंग में अक्षर और वर्ण अलग अलग दिए हुए हैं, मतलब क्या अक्षर और वर्ण दो अलग अलग चीजें हैं? इसको समझा दीजिए। गुरुजी माइक ऑफ है ना, उसमें वो पुस्तक जब आप देखेंगे ये सरल संस्कृत व्याकरण की, तो एक ही प्रश्न पर आपके इन प्रश्नों का पूरा पूरा ठीक ठीक उत्तर है। प्रश्न है 23, तो सरल संस्कृत व्याकरण का प्रश्न 23 आप देखें उसमें स्पष्ट है अक्षर के भेद स्वर और व्यंजन, उसके पश्चात वर्ण है, वर्ण क्या है इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, आप देख सकते हैं। फिर भी हम आपको बता देते हैं अक्षर क्या है। आ नहीं क्षर क्षरण होना, जिसमें कोई क्षरण नहीं हो सकता वो लघुतम इकाई अक्षर है, जिससे आप कुछ अलग नहीं कर सकते, जिसमें से कुछ क्षरण नहीं हो सकता वो
अक्षर है, इसे आपने बोला अ, इससे आप कुछ भी अलग नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं को, तो को में का और ओ दो आ गए, ठीक। अगर आपने केवल आ कहा तो ये अपने आप में न्यूनतम इकाई है, लघुतम इकाई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आ अक्षर इस इसको मिलाकर बना है। लेकिन यदि आपने कहा के, की, कु, तो आप स्पष्ट करें, जब आप की कहते हैं तो का और ई दो को मिलाकर बना, तो ये अक्षर नहीं कहा जा सकता। जब आपने की कहा तो अक्षर नहीं कहा जा सकता। तो इसके स्वर और व्यंजन जो कहे गए, जैसे आ ई आदि तो स्वर हो गए, और जो आप काखा का गाचा छा जा पढ़ते हैं ये व्यंजन है, ये आप जानते हैं। तो ये अक्षर के दो भेद हैं, बिल्कुल ठीक है। परंतु जब आप उच्चारण करेंगे, जैसे आपने कहा का, तो इसके साथ आ अवश्य होगा, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो सामान्यता जब हमको पढ़ाया जाता है तो उच्चारण हम स्वर के सहित करते हैं, लेकिन अक्षर तो तब होगा जब उसका स्वर अलग करके, जैसे हमने कहा का तो आ बाद में आया, उसने बोलते हैं। अब जरा अक, आ यदि पहले ले लें तो अक बोल सकते हैं, इसमें का के बाद आ नहीं आया। तो दो आपको स्पष्ट दिखा, आ और अक में ये अस्वर का बाद में जो आया। तो अक जो है ये वर्ण है, इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। वर्ण वो है जिसमें स्वर होना अनिवार्य, बिना स्वर का वर्ण नहीं हो सकता, अक्षर हो सकता है। जब उच्चारण बिना स्वर के नहीं कर पाएंगे, ये सत्य है, क्योंकि बिना स्वर के उच्चारण तो संभव नहीं है। तो व्यंजन का उच्चारण करते हैं, स्वर के साथ करते हैं सुविधा के लिए, परंतु सिद्धांत रूप में हम मान लेते हैं यदि स्वर ना हो तो जो शेष रहेगा वो व्यंजन है। वर्ण में केवल स्वर है तो भी वर्ण है, हमने कहा आ, यह अक्षर भी है और वर्ण भी है, दोनों है। परंतु जैसे हमने कहा कि, तो यह अक्षर नहीं है परंतु वर्ण है, क्योंकि तो इसमें एक स्वर और एक व्यंजन दो आ गए, तब यह वर्ण हो गया, तो अक्षर नहीं रहा, क्योंकि दो से मिलकर बना है, दोनों अलग हो सकते हैं। तो ये अंतर है अक्षर और वर्ण का, एक प्रश्न पर है, इतना स्पष्ट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, स्पष्ट लिखा हुआ, उसको मैंने बता दिया था, उसको समझ में आ गया था, अब तुमको और लोगों को भी समझ में आ गया होगा मेरे विचार से। बोलो। ओम जी गुरु जी, धन्यवाद। तो अब समापन किया जाए जी। जी क्या बोलो बेटा, समापन करो, मंत्र बोलो। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः तो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। गुरु जी नमस्ते। गुरु जी नमस्ते। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सः सौ असौ अहिम्। ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्।
ओम खम ब्रह्मा, ओम खम ब्रह्मा, सबको सादर नमस्ते। ओम यो असौ आदित्य पुरुषा सो असौ अहम, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, सभी को सादर नमस्ते। सायंकाल 7:30 बजे हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम।